हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह, आप देख रहे हैं एसपी मैच चैनल। मुझे कुछ कैंडिडेट ने कमेंट्स में लिखा था कि सर हमें जो है अब तक आए हुए क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ आपके लिए पीडीएफ के साथ 125 क्वेश्चन सॉल्व, जो कि 2013 में परीक्षा का पेपर है और परीक्षा तिथि जो है इसकी 1 फरवरी 2015 है। तो चलिए हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज बल 30 अंश का कोण पर क्रिया कर रहा है, यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10√3 किलोग्राम भार है तो वह बल होगा। देखिए यहाँ पे हम क्षैतिज वियोजित भाग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्षैतिज वियोजित भाग होगा P√3 बराबर P cos थीटा। तो cos थीटा इसकी वैल्यू होती है √3/2 और cos √3 से √3 कट जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए, ये दे रखा है tan α/2 tan β, समीकरण इतने के मूल है तो cos α + β का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल है तो यहाँ से मूलों का योग निकाल लिया पहले हमने और मूलों का गुणनफल निकाल लिया और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया हमने tan α + β का। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया 26/7। उसके बाद हमने इसको क्या इसका स्क्वायर करा तो 26/7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 676/49। और उसके बाद हमने क्या कराया, यहाँ से sec स्क्वायर में चेंज कर लिया इसे, क्योंकि tan²θ होता है sec²θ -1 इधर आके प्लस हो के ये आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका व्युत्क्रम ले लिया, ये आ गया। और देखिए इसे 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दी और साथ में दोनों साइड में माइनस कर दिया और उसके बाद इसे सॉल्व होके आ गया हमारा आंसर 627/725। तो चलिए हम करते हैं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/6 साइन की पावर 6 और कोस की पावर 5x dx का मान याद कीजिए। तो यहाँ हम बता दें ये जो है देखिए ओड फंक्शन है, जब ओड फंक्शन होता है और लिमिट इसकी दे रखी हो तो उसे हम डायरेक्ट 0 ले सकते हैं। तो ओड फंक्शन की वजह से हम यहाँ पर इसे जो है डायरेक्ट 0 ले सकते हैं। तो अब चलिए हम करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a b + c का मान याद कीजिए। तो इसे निकालने के लिए देखिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। फॉर्मूला होता है abc = a·b×c। तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर देखिए अप्लाई लगा दिया, a के स्थान पे a काम कर रहा है, b के स्थान पे b + c और c के स्थान पे a + b + c। तो यहाँ फॉर्मूला लगाया a·b×c, इनकी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट की और सोल्व होकर इसका आंसर 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin θ + cos θ = 2 हो तो sin²θ और cos²θ का मान होगा। तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, cos θ को लिखा हमने 1/sin θ और उसके बाद इसका एलसीएम लिया। तो यहाँ से देखिए ये आ गया sin θ - 1, sin θ की वैल्यू आगे निकल के 1 और sin की वैल्यू उठा के हमने इसमें रख दी और 16 का आ गया इसका आंसर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समुच्चय 0 के उप समुच्चय हैं, तो उप समुच्चय क्या होते हैं, एक तो फाई होता है और इसमें चूंकि एक ही एलिमेंट है तो इसका ये आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin α + β = a cos α - cos β = b है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे करने के लिए देखिए हमने ये ऊपर नीचे लग दिया इसको और उसके बाद क्या करा हमने cos c - cos d का सूत्र ऊपर लगाया, sin c + sin d का नीचे लगाया और कटने के बाद ये इसका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इस तरह का एक लाल रंग का बटन होगा तो वहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक काले रंग का पड़ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक घंटी आ जाएगी, तो घंटी को भी आपको दबाना है जिससे कि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या तरह देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है cos θ + i sin θ की पावर 4 i cos θ sin θ का मान निकालना। तो इसे करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, i cos θ ऐसे ही है, उस जहाँ sin θ लिखा है वहाँ माइनस का i² यहाँ पर ऐसे लिख लेना और उसके बाद i यहाँ से ऊपर वाले में डिवाइडर पे में लगा दी हमने और जो नीचे है i हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो i बाहर कॉमन लेंगे तो i²² होगा और उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम, ऊपर ले जाने के बाद डिवाइडर पे में लगा देंगे ये आएगा और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो इनके जो एंगल हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ये वाला आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 है, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू पहले तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आई वाले आई के पास रख लेंगे और जो वास्तविक पार्ट है उनको अलग और काल्पनिक पार्ट है उनको अलग। अब उसके बाद हमें करना क्या, देखिए यहाँ पे, यहाँ कोस सी, यहाँ पर कोस थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ यहाँ साइंस सी माने साइन डी का, यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी का, यहाँ साइंस सी प्लस साइन डी का, जैसे लगाएंगे, लगाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद देखिए यहाँ से दो कट गया ये, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो माइनस भर जाए, माइनस की जगह मैं लिखूँगा आई स्क्वायर, और आई कॉमन ले लेंगे हम, और जैसे ही हम आई कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो यहाँ ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम बच जाएगा, ठीक है, और ये पूरा इससे कट जाएगा और आंसर इसका हमारा आ जाएगा आई टेन अल्फा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ देखिए इसमें है आर इज इक्वल टू 1 टू से 4n वन अपॉन एन प्लस आर, ये बेसिक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर देखिए पहले लिमिट को वाले इस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, और देखिए कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो 1 अपॉन एन होता है उसके स्थान पर तो हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, और आर के स्थान पर जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे और एन की जगह अनंत रखेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, ठीक, और उसके बाद आर के स्थान पर हम यहाँ पर देखिए रखेंगे यहाँ पर 4n, तो n से n कट जाएगा तो अपर लिमिट हो जाएगी 4n, और आर अपॉन एन की जगह हमने क्या रखा x, ठीक, और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन x, ये इंटीग्रेशन होता है लोअर 1 प्लस एक्स का, इसमें लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सॉल्व होकर देखिए इसका आंसर जो है ये 5 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है, यदि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ ट्रायंगल मैंने बना दिया, त्रिभुज देखिए एबीसी, त्रिभुज एबीसी यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर डी जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई ए बी डी में, तो ए बी डी में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसी तरह से त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी और क्या करा हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद उसके बाद दो देखिए यहाँ से कॉमन आ गए इतने में से, और यहाँ पर दो कॉमन लेने के बाद ये बचा, देखिए वही आंसर इसका बच जाएगा जो इसमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक काम और करा, देखिए क्योंकि मिड पॉइंट है तो जहाँ बी डी है उसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, जहाँ डी सी है डी सी के स्थान पर हमने बी डी भी रख दिया, तो ये आंसर इसका आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है, यदि 5 व्यक्तियों की ऊंचाइयाँ क्रमशः इतनी हैं तो मध्यमान ऊंचाई याद कीजिए, तो मध्यमान ऊंचाई निकालने क्या करना है, इन सबको जोड़ना, जोड़ने के बाद 5 है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, जोड़ के हमने देखिए जोड़ा 760 आया, 5 से डिवाइड करा 152 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है तीसरा, यदि समीकरण इतने के द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो क्या मान याद कीजिए, रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस वाई स्क्वायर गुणांक जो होता है वो 0 होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक है यहाँ पर 3 और वाई स्क्वायर गुणांक कितना है के, तो 3 प्लस के बराबर 0 यानी के की वैल्यू आ गई 3। अब इसका आंसर आ गया डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, जरा देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिभुज एबीसी में कोण है 120, तो एसी बराबर है, यानी त्रिभुज कैसा हो गया, संधिबाहु त्रिभुज हो गया, जब संधिबाहु त्रिभुज हो गया तो हम जानते हैं कि संधिबाहु त्रिभुज में जो है आधार के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये तो 120 है तो 30 इधर का हो गया, 30 इधर का होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए इसका आंसर हो गया। आपको ये अला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई और एफ एक्स का मध्य समांतर माध्य याद कीजिए, तो समांतर माध्य क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन टू, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, एक्स प्लस वाई को हमने थोड़ी देर के लिए यू मान लिया, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए यू मान लिया, और एक्स माइनस वाई को वी मान लिया, दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर हमने यहाँ पर इनका दोनों एफ एक्स वाई यू वी आ गया, तो यानी ये जो आ गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, लेफ्ट हैंड साइड में कर दी, तो यू भी बराबर आ गया यू प्लस बी अपॉन टू, यानी यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर आ गया, ठीक है। अब एक्स वाई यू की जगह एक्स रख दिया, बी की जगह वाई रख दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर, और इसका इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ना, मध्यमान का मतलब दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करना, तो आप देखिए इनको दोनों को जोड़ा और दो से डिवाइड किया तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सोल्व हो गया 0 आंसर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सी बराबर ये देखा मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक तो आप जानते हैं सीधे अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग। इसको हमने सोल्व करा 162 आया और 162 को लिख सकते हैं 92 नाइन रूट टू। समी ये क्वेश्चन नंबर 17 समीकरण इतने का सदा एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र ये और त्रिज्या ये है। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाए तो ऐसी दिशा में वृत्त होगा। तो ऐसी दिशा में वृत्त कैसे हो जाएगा, अब भ्रष्ट वृत्त हो जाएगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं, सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, त्रिज्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जगह जैसे हम सी रखेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगी त्रिज्या जीरो हो जाएगी, और जब जीरो त्रिज्या है तो उसे कहते हैं हम अपभ्रष्ट वृत्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई की पर आई थीटा बराबर जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसे करने के लिए जेड की जगह हमने क्या रखा, ई की पावर आई थीटा यहाँ पर रख दिया। इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व दिखा देता हूँ। तो देखिए जेड की वैल्यू रख दी हमने, जेड की डिवाइड पर में से कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा हो गया। उसके बाद बन काटने वाला ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, बन काटने वाला फॉर्मूला नीचे लगा दिया, ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लेने के बाद ये पूरा कट गया और आंसर आ गया इसका। अब देखिए साथ में एक काम और करा हमने, माइनस की जगह आई स्क्वायर और लिख देते हैं जिससे कॉमन लेने में आराम से आ जाए। तो यह इसका आंसर ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एम द्रव्यमान की गोली स्मॉल एम द्रव्यमान की गोली कैपिटल एम द्रव्यमान की एक बंदूक से छोड़ी जाती है। यदि गोली बंदूक के यूज के सापेक्ष वेग से चली है तो गोली के बंदूक का वास्तविक वेग क्रमशः क्या होगा। तो इसका देखिए आपको बता दें, जो डायनोमिक्स है डायनोमिक्स का जो एग्जाम्पल ये रखा हुआ, आप ओल्ड बुक में देख लीजिए इसका डायनोमिक्स का एग्जाम्पल वहाँ पर रखा। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, मैंने इसलिए इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। तो आप वहाँ से डायनोमिक्स है इसका एग्जाम्पल है, आप जाकर पुरानी बुक जो है वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम इतने ये है तो इससे तो सीधे उपरोक्त सभी है, ये सीधा आंसर है इसका। अनुक्रम ये दे रखा है तो ये अभिसारी अनुक्रम है, ये के लिए अपसारी अनुक्रम है, सब पार्ट इसके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या आ देगी, यदि समीकरण इतने के मूल समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिघात समीकरण है तो इसके मूल हमने जो मान लिए वो मान लेते हैं इसके हम अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखिए तो इसके मूल हमने क्या मान लिए, तीन मूल, चूँकि जो मूल कैसे हैं समांतर श्रेणी में, तो इसके मूल हमने मान लिए कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा जो समांतर श्रेणी में, और यहाँ से हमने मूलों का योग किया तो अल्फा बराबर आ गया 12, मूलों का गुणनफल किया तो बीटा बराबर आ गया 3। अब यहाँ पर सर्वांतर निकालना है तो पहले हमने अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी इसमें, अल्फा माइनस बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा में। तो जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो 1, 4, 7 आ गए, तो सर्वांतर दिख रहा है 4 में से 1 गया 3 और 7 में 4 गया 3, तो सर्वांतर कितना आ गया इसका 3 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, तो भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो परास नहीं होती है, इसका आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वक्र ई की पर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर स्पर्श की प्रवणता है तो एम का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यहाँ ये करा हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ई की पावर वाई बराबर ऐसा है, तो हमने क्या करा इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल करने के बाद इसकी जो प्रवणता निकाली, और प्रवणता ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो होती है 1 के बराबर या 1 से कम होगी, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए प्रवणता क्या होगी 1 के बराबर या 1 से छोटी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसी कण पर लगे दो बलों क्षैतिज और वियोजित भाग पी ए क्यू हैं, बल को परिणामी याद कीजिए। देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में लगे तो इनका बीच का जो कोण हो गया वो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और फॉर्मूला ये होता है अंडर आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस अल्फा, अल्फा की जगह 90 डिग्री रखा हमने, सोलो का कितना आ गया आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये दे रखा है का मान याद कीजिए, तो इसे करने के लिए हमें क्या कोस एक्स का प्रसार कर देना, लॉग 1 प्लस एक्स का प्रसार, देखिए यहाँ पर ये कर दिया है प्रसार दोनों का, और जैसे ही हम इनको सॉल्व खोलेंगे, खोलने के बाद क्या होगा ऊपर से एक्स कॉमन ले लेंगे, और देखिए यहाँ पे ये वाला सेकंड स्टेप, देखिए यहाँ पे ये माइनस का एक्स बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपन 2 बचेगा, तो जब अंदर एंट्री करेंगे तो एक्स और ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर अपन 2 कॉमन बचे लेंगे तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर वाला एक तो कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वास्तविक मान फलन इतने का परास याद कीजिए। हाँ, यहाँ पर आपको हम एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि जो TGT PGT की तैयारी करना चाह रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल शुरू से, तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो लाइव क्लास है 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है,
तो इसे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। किस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये वाली क्लास से आप जुड़ जाएंगे, और ये रात्रि 9 बजे से 9:30 बजे तक रात में चलेगी। तो इसे आप आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल शुरू से लेके चलूँगा, बिल्कुल बेस से लेके चलूँगा। यहाँ आपको बहुत सी ट्रिक भी आपको बताएंगे हम, ठीक है, और साथ में जो एकेडमिक है उसे भी पूरा भी कराएंगे। तो चल देखिए आगे क्वेश्चन है। हाँ ये था क्वेश्चन इसका। हाँ ये आला देखिए यहाँ पे, वास्तविक फलन इतने का पराशी आते हैं। अच्छा इससे पहले एक्स कोस एस इसका तो हो गया ये ना। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये दे रहा क्वेश्चन नंबर से, वास्तविक फलन इतने का पराश ज्ञात कीजिए। पराश निकालने के लिए हमने क्या एफ एक्स को बाई मान लिया, और बाई मानने के बाद दोनों पक्षों का वर्क किया, और वर्क करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आ गया ये आ गया, वर्क कर दिया हमने यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद हमने क्या करा, वाई मानने के बाद इसे वाई 9 - y इसका ग्रेटर देन 0। और देखिए यहाँ पर पराश निकालने के लिए जो अंडर रूट के अंदर वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसको किया। और उसके बाद यहाँ पे इसके हमने फैक्टर किया, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली आ गई। अब यहाँ पर देखो नंबर लाइन पर हमने सोल्व किया, जब सोल्व करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से हम लेते हैं, तो -3 से +3 आएंगे। और यहाँ आपको बता दें क्योंकि जो वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर कभी भी सोल्व होकर बाहर ये जो है निगेटिव नहीं आ सकती, तो वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी यानी कि पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। जब पॉजिटिव होगी तो वैसे तो इसकी वाई की वैल्यू -3 से +3 के बीच में आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव लेनी, पॉजिटिव और 0 से बड़ी लेनी है, तो उसके लिए आंसर हो गया 0 से 3 इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे, एक रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो उसकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी चाल का अनुपात निकालने के लिए पहले हम पहली चाल निकालेंगे और दूसरी चाल निकालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड भी किया है, पहले जो चाल आएगी वो 195 थी, दूसरी की आ जाएगी। जब इनको डिवाइड किया हमने, सोल्व किया, तो कैलकुलेशन करके 13:15 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बताना कि ये एफ एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स 0 से ये है, तो किस प्रकार का फलन है। देखिए यहाँ पे आप बता दें ये विषम फलन है, इसे हम यहाँ काट देते हैं। कैसा है, विषम फलन है, क्योंकि देखिए एक्स के स्थान पे अगर माइनस करते हैं हम और माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है तो ओड फंक्शन कहलाता है, ये इधर आकर जुड़ जाएगा, यानी एफ माइनस एक्स प्लस के एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कैसी आ गई, 0 आ गई। जब ऐसा है तो वो कैसा फंक्शन होता है, विषम फलन, तो आंसर है इसका विषम फलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6x + 7 3x + 2 इतने का हल ज्ञात करना। तो इसे करने क्या करना है, हमें तिरछी गुणा कर लेनी है इसकी इधर और इसकी इधर, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व होकर इसकी जो x की वैल्यू हो जाएगी -9/11 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे यदि ये है तो मोड जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम इसके गुणनखंड देखिए, यहाँ पे हमने गुणनखंड इसके किए, तो यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, और साथ में एक काम और किया हमने, माइनस जेड की जगह जहाँ माइनस लिखा है, माइनस की जगह हमने जो है यहाँ पर माइनस की जगह आई स्क्वायर लिख दिया, इसे गुणनखंड कर लिया हमने। देखिए गुणनखंड करने के बाद जेड की वैल्यू एक ही आ गई और एक ये आ गई, तो यहाँ पर देखिए ये तो माइनस काल्पनिक हो जाएगी, इसे छोड़ दिया हमने, तो ये आई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसमें, और इसकी जेड की वैल्यू आ जाएगी आई, यानी जेड की जगह हमने क्या रखा, आई, और जब मापांक लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 3 एथलीट टीम के सदस्यों से क्रिकेट टीम 21, और ये देखिए यहाँ पर ये जो है सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें जो तीनों में कॉमन है तो वो तो 8 है, ठीक है, और जो ये क्रिकेट, ये क्रिकेट के लिए हमने लिख दिया, ये हॉकी के लिए लिख दिया, और जो नीचे है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर जो नीचे जो है ये फिर फुटबॉल के लिए कर दिया हमने, तो इसमें जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है सबसे पहले हमने वो लिख दिए 8, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट और हॉकी में कितने हैं, 16 हैं, तो 8 यहाँ पर हो गए, 6 ये हो गए, तो 16 हो गए। हॉकी और फुटबॉल में कितने हैं, 8 + 7 = 15 हैं, तो 8 यहाँ पर है, 7 ये देखिए 15 हो गए। इसी तरह क्रिकेट और फुटबॉल में कितने हैं, 14 हैं, तो 8 पहले से हो गए थे, 4 ये हो गए, ठीक। बाकी आप कितने बचे हैं, आप यहाँ पर देखिए इसमें बचे हुए 14 सदस्य हॉकी क्रिकेट टीम में, 12 सदस्य फुटबॉल, तो 12 सदस्य जब फुटबॉल में है तो अब यहाँ पर देखिए फुटबॉल में, तो पहले कितने हो गए, यहाँ से इसमें से 14 सदस्य, 12 सदस्य फुटबॉल
और इतने तीनों मिलके अब यहाँ पर इसमें बाकी जो सदस्य हैं इसमें फुटबॉल में, ये देखिए यहाँ पर पूरे दे रखे विद्यालय की एक टीम सदस्यों की टीम में 21, आप देखिए क्रिकेट टीम में कितने 21 हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 21 करने के लिए क्रिकेट टीम में देखिए 6, 8, 14, 4, 18, तो 3 बचे ऊपर, कितने बचे यहाँ पर 3। इसी तरह से जो हॉकी है, हॉकी में कुल कितने हैं, हॉकी में है 26, हॉकी टीम में 26, अब 26 बचे देखिए, तो 6, 8, 14, 7 हो गए 21, 21 और 5, 26 हो गए पूरे। तो इन सबका हमने टोटल कर लिया, और टोटल करने के बाद देखिए इसका आंसर जो आ गया 43, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। तो 32वां क्वेश्चन है लोग साइन एक्स प्लस आई वाई का अधिकल्पित भाग। तो इसका अधिकल्पित भाग करने के लिए देखिए यहाँ पर ही लोग एक्स साइन एक्स प्लस आई वाई हमने एक काम करेंगे, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद अधिकल्पित भाग इसे मान लिया हमने अल्फा प्लस के आई बीटा, यानी बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमने क्या करा, यहाँ से लोग को इधर ले गए, इसे ले सकते हैं ई की पावर, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए तो इसका भी ये पूरा फॉर्मूला हो गया यहाँ से यहाँ तक का। और इसके बाद देखें अल्फा प्लस आई बीटा को लिख लिया ई की पावर आई बीटा, ठीक है, और ई की पावर आई बीटा या अल्फा अलग कर दिया हमने, आई ई की पावर आई बीटा कोस बीटा प्लस के साइन बीटा। अब हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करी, तुलना करने के बाद और इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो है इसका आंसर देखिए ये आ गया बीटा इज इक्वल टू टेन बस कोट एक्स माइनस कोट एक्स और कोट हाइपरबोलिक बाई, इसके बी जो आंसर इसका हो जाएगा ये वाला इसका सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 में क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दे रखा तो कि गुणनखंड है, तो इसका पहले देखिए यहाँ पर मैंने ये कर दिया, इसके गुणनखंड है, तो इसका पहले हमने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी लगा देनी है, देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, सी वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, और जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका जो है ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ गया, तो यहाँ पे पहले वन वन बचेगा, यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आर वन में से आर टू माइनस करना और आर टू में से आर थ्री, जैसे ही माइनस करेंगे तो दो तो जीरो हो जाएंगे, और फिर हम जैसे ही इसका प्रसार करेंगे तो इसका आंसर हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, देखिए 34 क्वेश्चन क्या, पी आर क्यू ऐसे दो समुच्चय हैं पी यूनियन क्यू बराबर पी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पी आर क्यू, पी मान लिया 1, 2, 3 और क्यू मान लिया हमने क्या 1, 2, 3 और क्यू मान लिया 1 और 2, इनका यूनियन निकालेंगे आ गया पी, इंटरसेक्शन निकालेंगे ये कितना आ गया क्यू, तो किसके बराबर हो गया ये क्यू के बराबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त इतने कि उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या बताइए। तो उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या निकालने के लिए हमें इनके केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों के त्रिज्याओं का जोड़ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के केंद्र निकाले, पहले का केंद्र है 3.0 और दूसरा केंद्र जो है 3.7 और दूसरे का 3.0, केंद्रों के बीच की दूरी निकाली आई 7 मात्रक, ठीक है, केंद्र और साथ में त्रिज्या का जोड़ करा, त्रिज्या दोनों के अलग अलग निकाली यहाँ पे और इनका जोड़ करा था आया 6.7। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर अब हम जो आया है, तो इस तरह से व्रत हुए, एक ये व्रत हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या हो गई कितनी हो गई 1, 2, 3, 4 स्पर्शियाँ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ ए बराबर ए बी बराबर बी, तो बी ए की वैल्यू याद कीजिए, तो बी ए की वैल्यू निकालने फॉर्मूला होता है ए बी ए जिकल टू ओ ए माइनस ओ बी, तो सीधा इसका आंसर दिया जाएगा, यहाँ पर दिखाया भी है मैंने। अब यहाँ पर अब आ जाइए 35वां क्वेश्चन हो गया, 36वां ये बता दिया आपको। अब देखिए 37वां क्वेश्चन क्या जरा इसको देखिए, 37वां क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 37वां क्वेश्चन ऊपर देख लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स बराबर साइन बस रूट 3/x 1/2 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना, देखिए यहाँ पर हमने एक काम किया, यहाँ पर इनवर्स हटाया पहले, इसे राइट हैंड साइड में लिया है, और ले आने के बाद यहाँ पर रूट 3/x हो गया, और यहाँ पर हमने क्या है एक्स वाले जो ये वाला पद उठा के यहाँ पे जो ये वाला टर्म है यहाँ पे ये वाला टर्म इसके साथ लिया है साइन के साथ, और दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद देखिए इसको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद यह सीधाचार्य सूत्र से हल कर दिया यहाँ पर। तो सीधाचार्य सूत्र से सब हमने इसको सॉल्व किया, तो सीधाचार्य सूत्र सॉल्व करने के बाद देखिए ये आ गया इसका, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा, फिर अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो हमें जो दिख रहा कि जो आंसर शीट में जो है केवल ये वाला दे रहा, पॉजिटिव वाला कोई सा भी केस नहीं दे रखा, तो हमने ये छोड़ दिया, नेगेटिव वाला हमने लिया, तो हमारा ये आंसर इसका निकल के आ गया साइन बस एक्स माइनस के 5/6 इजिकल टू वाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 38 की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 है एफ एक्स बराबर ये, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 ये है,
ये दे रखा है का हल है, तो हल निकालने के लिए पहले हमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहला वाला है बस इतना कर लेना कि इसमें जो है इस वाले की पूरी उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण इसकी देखिए ये आ जाएगी, ये आ गई समीकरण इसकी, ये वाली ये समीकरण आ गई है इसकी। अब करना क्या है, इसमें से आंसर जो दे रखे हैं वो रख कर देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है जो रखा हमने वो 9 = 9 कौन सा वाला रख कर आ गया, जो इसका पहला ही वाला है x = 1 और y = 2 और z = 3 रख के इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब पहला इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखिए, 10 inverse 1/2 10 inverse 1/3 का मान याद कीजिए। तो ये तो सीधा ही इसका हो जाएगा, 10 inverse a + b का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 inverse a + b का फॉर्मूला लगा दिया और लगाने के बाद इसका आंसर 5/6 5/6 कट जाएगा, 5/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि किसी त्रिभुज PQR में भुजाएं PQR समांतर श्रेणी में है तो इसकी वैल्यू याद कीजिए। अब देखिए भुजाएं जब समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, ये प्रतिबंध हो जाएगा, इसकी जो PQR कैसी भुजाएं समांतर श्रेणी में है। तो जब भुजाएं समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब क्या है, इसकी भुजाएं जब समांतर श्रेणी में है तो 2q = हो जाएगा p + r। और यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला लगा दिया cot a/2 का, cot b/2 दोनों के फॉर्मूले लगा दिए, जैसे कटने कटने के बाद s की जगह लगा दिया p + q + r/2 और p + r की जगह 2q लगा दिया और आंसर 16 का आ गया 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, ये देखिए इस वाले जो 41वां क्वेश्चन है ये परीक्षा में कुछ इसमें गड़बड़ मेरे हिसाब से इसमें गलत बैठ रहा था, कोई सा भी इसका आंसर नहीं है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा। यहाँ पर गड़बड़ क्यों बैठ रहा था ये भी मैं आपको बता दें। यहाँ पर ज़रा देखिए, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, दो बल एक ये दे रखा है एक ये दे रखा है, तो बिंदु इतने पर कार्य कर रहे हैं और बाद में इसी पर कार्य कर रहे हैं, परिणामी बल का इतने के परिते ही पूछ लिया, तो इसलिए इसमें जो है इसका ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है इसका गलत है, क्वेश्चन ही ये गलत है। फिर भी आपको और किसी को कुछ इसका आंसर अगर ठीक लगता है, क्वेश्चन ठीक लगता है तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है ये वाला, xy = a²s = b²x c²y, जहाँ ए बी सी अचर हैं, तो s का निम्निष्ट मान होगा। तो आपको करना क्या है इसमें, इस यहाँ से y की वैल्यू निकाल के पहले वाले से जो y की वैल्यू है यहाँ से निकाल के इसके अंदर रख देनी। जैसे हम इसको रखेंगे तो ये आगे देखिए यहाँ पर इस टाइप का आएगा, यहाँ पर रख दिया वैल्यू। अब हमने इसका एक बार डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद एक बार और डिफरेंशियल कर दिया और डिफरेंशियल पहले वाले डिफरेंशियल को 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू प्लस और माइनस में आई। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाली नहीं ले सकते, माइनस वाली लेंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा, हमें लाना पॉजिटिव, यानी कि इसको निम्निष्ट करना। तो निम्निष्ट के लिए x की वैल्यू होगी c/b और ये जो x की वैल्यू उठा के हमने जो है यहाँ पर शुरू में रख दी, 16 का आ गया 2a b c, इसका आंसर आ गया। अब देखिए 43 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, 43 क्वेश्चन है, वक्र y = x² और रेखा y = 4 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसे करने के लिए क्या करना है, हमें देखिए वक्र y² ये परपल हो जाएगा और जो रेखा है y = 4 वो ये हो गई। अब हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना, तो इसके लिए देखिए लोअर लिमिट 0 से 0.4, यानी लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 4 इसकी लिमिट हो जाएगी। और यहाँ से हम जो है वाई की एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एक्स की वैल्यू जाएगी अंडर रूट, फॉर्मूला होता है इसकी लोअर लिमिट देखिए 0 से 4 हो गई और यहाँ से वैल्यू हमने निकाल कर रख दी और इसका इंटीग्रेशन करा, 16 का आंसर आ गया इसका 32/3, कितना आ गया इसका 32/3। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की ओर, देखिए 44वां क्वेश्चन क्या है, 44वां क्वेश्चन है ये देखिए, x + y के प्रसार में विषम पदों का योग p और सम पदों का योग q है, ये निकालना। आप देखिए x + a की पावर प्रसार में सम और विषम पदों का योग कितना, p + q है, ठीक है। अगर दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया तो ये p + q का स्क्वायर आ गया, माइनस कर देंगे बीच में तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो 16 का p + q आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PQR समांतर श्रेणी में है तो ये बताना। तो जब PQR समांतर श्रेणी में है तो क्या करेंगे, हम इनका तीनों का अनुपात बराबर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए p/q तीनों अनुपात में k के बराबर ले लिया, यहाँ से p की q की वैल्यू r की वैल्यू s की वैल्यू निकाल कर रख ली यहाँ से। निकालने के बाद जैसे ही हमने इसके अंदर पुट करी तो यहाँ से देखिए हमने क्या करा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, कहाँ पर, यहाँ पर हमने जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी
यहाँ पर हमने जो क्या करा, पी क्यू आर के मान रखे, और जैसे ही पी क्यू आर के मान रखे तो यहाँ पर जो सॉल्व होके देखिए ये आया, ये वाला ये बचा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बच रहा है, और अब हम इसको दूसरे पद को पहले से भाग दे रहे हैं तो वन अपॉन के स्क्वायर आ रहा है, इसको इससे भाग दे रहे हैं तो वन अपॉन के स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो वो हो गया जी पी आ गया, इस अनुपात एक जैसा आ रहा है तो कैसी हो गई, ये जी पी हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण इतने के एक मूल दो प्लस आई है तो एक अमान याद, ये तो बहुत आराम से कर सकते हैं। एक मूल टू प्लस आई है तो दूसरा मूल हो जाएगा टू माइनस आई, और जैसे ही मूलों का योग करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला आ गया। देखिए यहाँ पर ये मैंने सोल्व भी करके दिखाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलें। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका याद कीजिए, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले दिए गए जो आंकड़े हैं इन सबको जोड़ना, तो इन सबको जब सॉरी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में लिख के दिखाया है इन्हें, यहाँ देखिए ये आरोही क्रम में लिख दिए। और देखिए यहाँ पर जो अगर विषम होता तो ठीक बीच के पद को माध्यिका कहते हैं, और सम होता है तो बीच के दोनों पद को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार पद इधर से चले, चार इधर से चले, तो बीच वाला पद आ गया 39। तो माध्यिका कितनी हो गई इसकी 39। अब क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सदिश इतने परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान याद कीजिए। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी बराबर कितना होता है 0। हम इनका सदिश गुणन करेंगे। देखिए सदिश गुणन हमने यहाँ पर करके दिखाया आपको, और लैम्डा बराबर कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 सारणी का क्वेश्चन है ये। देखिए इसका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है यहाँ पर। तो करना कैसे है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसमें से जो है पहली, इसकी जो पहली यहाँ से इस कॉलम में से रूट फाइव कॉमन यहाँ से लेंगे, रूट फाइव कॉमन यहाँ से लेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। रूट फाइव कॉमन लेने के बाद अब इसे हमने ब्रेक कर लिया दो छाड़ने के में, कैसे लिखा ये तो हो गया 5 रूट फाइव की रूट फाइव से मल्टीप्लाई करिए हो गया 5। अब पहली वाली जो है ये आ गई, उसके बाद ये दोनों इसे दो में ब्रेक कर लिया, इसका प्रसार करा और इसका प्रसार करा। जैसे हमने देखिए यहाँ भी इसका प्रसार करा और सॉल्व किया, सॉल्व हो गया इसका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो हो गया आ गया ये वाला आंसर इसका आ गया, तो इसको आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में उसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसका बिल्कुल क्लियर आपको करूँगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने भी पेपर हैं मैं सबको सॉल्व कराऊँगा, फुल सॉल्व का PDF भी आपको उपलब्ध कराऊँगा। इसमें जो देखिए क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी पर आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, अक्सर इसी से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपको काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के, अगर क्वेश्चन सेम भी नहीं मिलते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन देखिए आगे मिलेगा आपको। यह है क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 50 क्या, देखिए दो बल पी ए क्यू एक कण पर लगे, दोनों बलों के बीच कोण थीटा है, बलों का परिणामी आर है, यदि आर का वियोजित भाग पी की दिशा में 2P है तो ये निकालना। देखिए हाँ मैंने इसका सॉल्यूशन ये किया हुआ है, ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए पी और क्यू है, उनके बीच कोण थीटा है, तो क्यू का जो वियोजित भाग हो गया वो कितना हो गया, क्यू का वियोजित भाग हो क्यू कोस थीटा, और आर का जो वियोजित भाग है वो हमें दे रहा है, आर का वियोजित भाग हो जाएगा अब पी प्लस दिस, तो आर का वियोजित भाग कितना हो जाएगा पी प्लस के क्यू कोस थीटा, और वियोजित भाग की जगह हमने लिख दिया 2P, ठीक है, और 2P में से P माइनस कर दिया तो आर पी इजिकल टू आ गया क्यू कोस थीटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, पी इजिकल टू 2Q कोस थीटा। तो इसका आंसर जो है ये वाला आंसर इसका हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक इतने के प्रसार में एक्स याद 11 का गुणा निकालना है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे टी आर प्लस वन पद निकालेंगे। तो टी आर प्लस वन पद देखिए हमने यहाँ पर निकाला है, यहाँ देखिए ये हमने निकाला टी आर प्लस वन पद, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया टी आर प्लस वन पद यहाँ पर निकाला हमने, तो ये आया देखिए यहाँ पर। अब हमने एक्स या 11 के गुणांक के लिए जो घात होती है उसको 11 के बराबर रख देते हैं, सोल्व करा तो आर की वैल्यू हो गई 3, और आर की वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर रख दी तो गुणांक निकल के आ गया 120। अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है रूट ए टू एक संख्या है, तो रूट टू हम जानते हैं कि वे संख्याएँ जो अंडर रूट के अंदर होती हैं अपरिमेय कहलाती हैं, जो बटे के अंदर होती हैं वो परिमेय कहलाती हैं, तो रूट टू जो है वो अंडर रूट के अंदर है तो अपरिमेय संख्या हो गई, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 53 क्वेश्चन है दिग्वत इतने का स्पर्शिका समीकरण याद कीजिए। तो स्पर्शिका समीकरण करने के लिए देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पर लिख देते हैं एक्स एक्स डैश, और वाई स्क्वायर के स्थान में क्या रख देते हैं वाई वाई डैश, और रख देते हैं तो हमें स्पर्शिका समीकरण निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए यह सॉल्व करके भी दिखाया है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स एक्स डैश, वाई स्क्वायर के स्थान वाई वाई डैश रखा, आंसर इसका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 54 भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 54 में हमें क्या करना, क्या जो पहले दे रखा है इसका
एक बार इसका संयुग्मी ले लेंगे, संयुग्मी से जैसे ही इसकी हम गुणा करेंगे तो 16 का ये आंसर रहेगा। यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ किया है, तो ये देखिए पहले ये ले लिया और इसका संयुग्मी लिया, इनकी आपस में गुणा करी तो आंसर इसका ए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक प्रक्षेपक का छेदी तल पर परास ज्ञात प्राप्त की गई है महत्तम ऊंचाई। यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो है तीन गुनी है, इसका जो परास है, इसके जो परास प्राप्त की गई है अब वो महत्तम ऊंचाई की तिगुनी है। तो प्रक्षेपक का उड्डयन काल पूछा, तो पहले हमने इसने क्या करा, इससे साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर देखिए मैंने कंडीशन लगा दी, यहाँ पे आर इजिकल टू रेखा थ्रिया, दोनों के फॉर्मूले लगाए। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, और ऊंचाई का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। सोल्व किया टेन अल्फा 4/3, त्रिभुज बना के यहाँ से मैंने साइन अल्फा की वैल्यू निकाली। उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, साइन अल्फा की वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट करी तो आंसर इसका आएगा 8u/5g। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, देखिए कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन, इसके हो गए 55 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 देखिए क्वेश्चन है याला, तो 56 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 56 है, सांडलिक इतने का मान याद कीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका मान निकालने के लिए हमें करना क्या है, C1 में से C2 माइनस करना और C2 में से C3 माइनस कर देना, उसके बाद प्रसार कर देंगे इसका आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी इसका दिखाया, आप देख सकते हैं। देखिए क्या करना हमें, C1 में से C2 माइनस करना और C2 में से C3, उसके बाद ये बचेगा, इसका प्रसार कर देंगे। प्रसार करने के बाद ये आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, देखो 57 बहुत आसान है। तो आपको करना क्या है, 57 क्वेश्चन क्या है, इसका फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला लिख देना। ये फॉर्मूला इसका होता ही है कि किस्त का एन किस्तों में आर ब्याज की दर से किसी धनराशि ए की ऋण अदायगी हेतु वार्षिक किस्त याद करने का सूत्र है। तो ये सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए, इसी की सहायता से हम जो है किस्तों की संख्या निकाल सकते हैं कि वार्षिक किस्त ज्ञात करने का सूत्र है कि कितनी किस्त जाएगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बस आपको क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते चलाना है। इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, 3+ के रूट 8, और इस सबके कंजुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये इस तरह की लाइन आएगी, सब आपस में कट जाएंगे, सब आपस में करने कंजुगेट से करने, नीचे सबके बन बन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 5 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है ये वाला, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसका बस डायरेक्ट प्रसार करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट क्या कर देना, प्रसार। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रसार किया है, प्रसार मैंने यहाँ पर ये कर दिया। देखिए जैसे हमने प्रसार करा तो जो आंसर आया इसका वो 0-0 आया, 0 आया यानी सब कट गया आपस में। तो इसको जब तुलना करिए तो x=0 आ गया और y=0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या, देखिए इसको समझ लीजिए पहले। PRR एक काम को 30 दिन में, PRQ उसी काम को 45 दिन में, क्यू और आर उसे 60 दिन में पूरा करता है, तो आर अकेला उसे कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए जरा इसे करने के लिए, तो हमने पहले क्या करा, पी और क्यू का एक दिन काम निकाल लिया, इसका पी और आर का, पी और क्यू का एक दिन काम निकाल लिया, क्यू और आर का एक दिन काम निकाला, और उसके बाद हमने तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए तीनों का एक दिन काम निकल के आ गया ये वाला 13/180, किसका आ गया ये, दो को और बटे में ले जाएंगे, यानी ये हो गया तीनों का एक दिन का काम। अब तीनों के एक दिन के काम में से हम क्या करेंगे, पी हमें आर का पूछा तो पी प्लस क्यू का जो काम है यानी 1/45 में से माइनस कर दिया, तो देखिए आर का अकेला काम आ गया। अब इसे वो व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी 72 दिन आ गया। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए इसके मैंने वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो वीडियो इसलिए मैंने इसकी दो वीडियो में बनाया है, 60 से आए के क्वेश्चन 125 तक आपको फुल सोल्ड अगली वीडियो मिलेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।